हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, जो लेक्चर नंबर आपको 14 पॉलिटी का या फिर संविधान का आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 से लेकर के 28 तक। अभी हमारे मूल अधिकार अभी चल रहे हैं, कल आपका मूल अधिकार वाला टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा, जिसमें हम कल लास्ट वाला जो भी सबसे महत्वपूर्ण जो कल आपको बचेगा वो आर्टिकल 32 बचेगा, जिसको हम सविस्तार में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इसमें देखिए आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि कल आपको आर्टिकल हम 22 पढ़ा रहे थे, जिसमें निवारक नजरबंदी पढ़ा रहे थे, और उसी में आपको टाडा के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहे थे। आप लोग जानते हैं कि जो संजय दत्त है उसके ऊपर भी टाडा लगा था, और वो कुछ समय के लिए जेल में गया था, हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर बाद में टाडा से तो बरी हो गया था, लेकिन आरएस एक्ट के अंतर्गत 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी स्टोरी सुनाएंगे कि संजय दत्त ऐसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, ये तो हमेशा बरी रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में ऐसे विचाराधीन मामले हैं जो छोटे मोटे अपराधों में है, आज तक वो जेल के अंदर बंद हैं। आपको 67% जो मामले हैं वो विचाराधीन मामले कैदी आपको देखने को मिलेंगे, 4 लाख कैदियों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी कुछ ऐसे कैदी है ना जिनको 20 साल से अधिक की सजा हो चुकी है कैद के अंदर, और अभी भी उनका मामला चल रहा है, सुनवाई नहीं हुई है। और आपको देखने को मिलेगा कि अगर उनको सजा भी होती है ना, उनको सजा 8 साल की, ऐसा अपराध में उनका जो मैटर चल रहा है वो ऐसे अपराध में है कि अगर उसमें मैक्सिमम सजा भी मिलती है ना तो 5 साल 7 साल 10 साल मैक्सिमम सजा मिलेगी, लेकिन अभी तक वो 20 सालों से जेल के अंदर बंद है। यानी कि अगर उन्हें सजा भी मिल जाती है, अगर वो दोषी करार भी हो जाते हैं, फिर भी वो उससे दुगनी तिगनी सजा काट चुके हैं। तो देखेंगे इन सभी चीजों के बारे में, और साथ में लफ्ज हाथ के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 25 के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो धर्मांतरण के बारे में और धार्मिक स्वतंत्रता भी आपको देता है। तो लफ्ज हाथ को भी देखेंगे। देखिए लफ्ज हाथ है एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है आज, आप देखेंगे कि ये जो हमारे देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, आप जानते हैं कि सभी लोग हिंदू मुस्लिम है, कितने अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। कुछ जगह पर थोड़े से मन मुटाव, थोड़े बहुत झगड़े वगड़े होते रहते हैं, वो तो एक परिवार के अंदर भी होते हैं, लेकिन जो आपको देखने को मिलेंगी बाह्य जो शक्तियां हैं, जो राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, वो भारत के अंदर जो सौहार्द की स्थिति बनी हुई है उससे वो खुश नहीं है। तो वो प्रायोजित रूप से यहाँ पर लव जिहाद को प्रमोट करते हैं, ना केवल उसको प्रमोट करते हैं बल्कि फंडिंग भी करते हैं। हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे किस तरह से लव जिहाद के केस इतने सारे आ रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो वो खुद कबूलते भी हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर चिंता जाहिर की है कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाए। वैसे तो इसके खिलाफ आपको एक कानून देखने को मिलेगा, राज्य स्तर पर विभिन्न कानून लाए गए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आप लोग ओपन माइंड से इस क्लास को थोड़ा सा देखिएगा। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो लोग जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम आधी चीजें पढ़ा चुके हैं, बहुत सारी, जैसे कि यूथनेसिया के बारे में पढ़ाए थे, थोड़ा सा संतारा के बारे में पढ़ाए थे, लिविंग बिल के बारे में पढ़ाए थे, आर्टिकल 21 के बारे में हम बहुत सविस्तार में पढ़ाए थे, फिर आर्टिकल हमारा जो 22 था उसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं वो संडे को अब फेस टू फेस आप हमसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं, क्लब आईएएस असिस्टेंट के नाम से आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप फेस टू फेस प्रत्येक रविवार 10:30 बजे आप हमसे आकर के बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप लोग ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में हम ये लिंक दे देंगे, आप लोग सिंपली ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो अभी हमें जो मेंबर हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं वो यहाँ से भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्द ही आप लोगों की ज्योग्राफी से फिर से फ्रेश क्लासेस, एकदम नई क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, तो ज्योग्राफी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से भी ज्वाइन करिए, वरना आप लोगों को बाद में बहुत सारा छूट जाएगा। अभी क्योंकि लगभग में लेक्चर नंबर 14 ही आपको देखने को मिलेगा, आराम से आप एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा देखेंगे तो आपका 14-15 दिन में कवर हो जाएगा। ओके, और ये सारी देखिए आपको विजन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ तक सॉल्व भी कराई जाती है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध आपका कवर हो चुका है, इसमें भारत एवं पड़ोसी देश बचा है, वो हम जैसे ही हमारा पॉलिटी फिनिश होगा तो तुरंत हम 5-6 क्लासेस आपको देंगे और फिनिश करा देंगे इस, और हमारा पॉलिटी वो चल रहा है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है बनी हुई है, जो चैनल पर आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इस तरह से देखिए सारे आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, इन प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के सभी के सभी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा, थोड़ी सी कनेक्टिविटी आपको बना देते हैं, बस 1 सेकंड आप लोगों का लगेगा यहाँ पर। तो देखिए हम अनुच्छेद
22 के बारे में बात कर रहे थे। अनुच्छेद 22 है वो दो चीजों की बात करता है, मनमानी गिरफ्तारी और दूसरा निवारक अनशनबंदी की बात करता है। देखिए मनमानी गिरफ्तारी, इसमें तीन बातें बोली गई हैं। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर मार्कर को मोटा कर लेते हैं जिससे आप लोग के लिए अच्छे से क्लियर कर पाए। तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहला क्या है मनमानी गिरफ्तारी और दूसरा निवारक नजरबंदी। देखिए जो मनमानी गिरफ्तारी है, जो फर्स्ट आपको फेस देखने को मिलेगा, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है, ये विदेशियों के लिए प्राप्त नहीं है। मनमानी गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ संरक्षण दिए गए हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल एग्जाम के लिए बल्कि आपकी जो लाइफ है उससे उससे भी इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकारों के बारे में आपको अपने जानने चाहिए। व्यक्ति है अगर उसको कोई गिरफ्तार करने के लिए आता है, स्पेशली ऐसे गिरफ्तार करने के लिए कौन आएगा, पुलिस पुलिस आएगी। अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपको कारण पूछने का अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप कारण बताइए अभी हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। और अगर गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो दूसरा आपका अधिकार है कि आप अपने मनपसंद वकील के द्वारा अपना बचाव कर सकते हैं। ये दूसरा कोई भी आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हाँ पुलिस यहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करेगी कि हाँ हम ढूंढ के लेके आएंगे वकील को, हम बात करेंगे, बात करने देगी। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, और ये 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय भी इंक्लूड किया गया है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपको कर्नाटक में पकड़ा है जा करके, तो कर्नाटक से यहाँ 24 घंटे में तो आ नहीं सकते, तो क्या करना होगा कि वहां के जो सबसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने प्रस्तुत करना होगा, फिर बाद में अपने न्याय क्षेत्र के अंदर उसको लाना होगा। और इसमें दो सीमाएं भी हैं, एक शत्रु अन्य देशीय और साथ में निवारक नजरबंदी के। निवारक नजरबंदी में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको मनमानी गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण है वो नहीं प्राप्त होता है। साथ में शत्रु अन्य देशीय कौन से होते हैं, जिनके साथ में भारत का मतलब युद्ध चल रहा हो उसको बोलते हैं शत्रु अन्य देशीय के नागरिक बोलते हैं। और निवारक नजरबंदी के बारे में हम लोग बात किए थे, तो निवारक नजरबंदी आपको देखने को मिलेगा, निवारक नजरबंदी क्या है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति को वर्णित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब जो जिस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है इसका पालन ना करते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि इसमें कारण हो सकता है आपको ना भी बताया जाए, अगर आपको निवारक नजरबंदी के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो अनिवार्य नहीं है। अगर कोई सार्वजनिक मुद्दा है तो सार्वजनिक मुद्दा की दृष्टि से आपको हो सकता है आपको कारण भी ना बताया जाए, ऐसे उठा करके जेल में बंद कर दिया जाए। ओके, और ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 24 घंटे वाला रूल लागू नहीं होता। वैसे देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं, कल आपको नहीं बताए थे अभी बता देते हैं। चलिए आपको देखने को मिलेगा अगर 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई है, तो 24 घंटे के बाद आपका मौलिक अधिकार है कि आप स्वतः मुक्त हो जाएंगे, आपको कैद करके नहीं रखा जा सकता। इसमें अवकाश के दिन शामिल नहीं है, इसीलिए शनि शनिवार का दिन हो तो फरार हो जाइए, अगर पुलिस पकड़ने के लिए आए बोले कि हम सोमवार को मिलने आते हैं आपसे। ओके, तो देखिए निवारक नजरबंदी क्या है, निवारक नजरबंदी क्या है, जो जब किसी व्यक्ति को वर्णित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार किस आधार पर किया जाता है, सिर्फ आशंका के आधार पर भाई, केवल आशंका है इसी आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आशंका किस चीज की, आशंका क्या रबड़ी खाने की आशंका, नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि आशंका है कि आप या कोई व्यक्ति है वो कोई गैर कानूनी कार्य कर सकता है। स्पेशली इसका उपयोग किया जाता है जब कोई कठोर निर्णय लेना होता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा कोई स्पेशल डे होते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या फिर किसी की स्पेशली किसी की बरसी होती है, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार देखने को मिलेंगे जहां पर क्लैश होने का डर होता है, तो वहां पर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पहले से रख दिया जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो प्रमुख नेता को उठा करके निवारक नजरबंदी के अंतर्गत ही बंद कर दिया था, जिससे वो लोग जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको अव्यवस्थित ना करें। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और गिरफ्तारी कितने दिनों के लिए की जा सकती है, 3 महीने के लिए मैक्सिमम गिरफ्तारी की जा सकती है। वैसे संसद ने इसको घटा करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा 2 माह कर दिया, लेकिन व्यवहार में आज तक ये लागू नहीं हो पाया। वैसे आप देखेंगे संसद ने इसको कम करके कितना कर दिया है, 2 माह कर दिया है, लेकिन व्यवहार में अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जाता, अभी भी 3 माह ही जारी है व्यवहार में भी। और आपको देखने को मिलेगा 3 माह के बाद क्या होगा, 3 माह के बाद एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसके समक्ष मामला जाएगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको 3 माह के बाद आपको निवारक नजरबंदी के अंतर्गत रखना है ये या नहीं रखना है। और एडवाइजरी जो बोर्ड होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा जो हाई कोर्ट है उसका पूर्व जज, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो चुका है वो जज होगा, या फिर उसकी योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति।
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य होंगे और यही समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद में। और हाँ, यहाँ पर बाकी रखने का आपको अधिकार नहीं होगा अगर आप निवारण नजरबंदी के अंतर्गत अगर आप गिरफ्तार होते हैं। हाँ, याचिका दायर करने का आपके पास में अधिकार है, आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन वकील नहीं रख सकते। इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने आपको खुद ही अपनी सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और एक गुप्त रूप से होगा, ऐसे नहीं सार्वजनिक रूप से कैमरा लगा करके प्रसारण किया जा रहा है, नहीं, ये गुप्त रूप से होता है। और ये इतना खतरनाक है कि किसी व्यक्ति को ला करके ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा, तो ये इतना खतरनाक है, इसको खत्म क्यों नहीं किया जाता? तो वाई इज नीडेड, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है? तो हम लोग देखे थे, ये क्या है, इफेक्टिव टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट, मतलब जो अराजक तत्व हैं उनसे डील करने के लिए बहुत ही अच्छा उपकरण है गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत की सीमा है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे देशों से, म्यांमार जैसे देशों से लगती है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा दुष्ट राष्ट्र भी है और साथ में गैर राष्ट्रीय शक्तियां भी आपको देखने को मिलेगी, जो भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा देखने को मिलेगा, जैसे कि आतंकवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, ओके, और ऐसे कट्टरपंथी आपको विभिन्न संगठन आपको देखने को मिलेंगे। इनसे डील करने के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बचाए रखने के लिए इस प्रकार के टूल की आवश्यकता बहुत है। इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि भारत के संविधान के आंतरिक भाग में निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है, ये चीज हम लोग देखे थे। और हम आपको कल ये बढ़ा रहे थे कि देखिए ये अधिकार है ना, जो निवारक नजरबंदी का आपको देखने को मिलेगा, ये संवर्ती सूची का है। अब संवर्ती सूची का होने के कारण इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो केंद्र यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कानून बनाए गए हैं उनकी बात हम लोग कर रहे थे। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कानून हैं जिनका गठन किया गया है, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने टैब पर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोगों के लिए नोट करके रखना है। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं। और देखिए आज की जो क्लास है वो प्री रिकॉर्डेड क्लास है, तो हम आपको बताना भूल गए थे आज की क्लास प्री रिकॉर्डेड है, इसलिए आप लोगों के लिए गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जो लोग गुड इवनिंग बोल रहे हैं, और आप सभी लोग क्लास देखिएगा। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि आज मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत, अगर हम भारत की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक कानून है एनएसए, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ओके, ये 1980 के दशक में आया था, आपको देखने को मिलेगा, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, रासुका के नाम से फेमस है, रासुका, ओके, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रासुका, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ओके, बहुत ज्यादा फेमस रासुका के नाम से, बहुत ज्यादा फेमस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा नोट करिएगा। इसी तरह से दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि मीसा, क्या है मीसा, आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ओके, ये काफी प्रमुख आपको देखने को मिलेगा, जिसको शॉर्ट हिंदी में बोलते हैं मीसा, ओके, ये कब आया था, ये आपको देखने को मिलेगा 1971 में आया था, लेकिन मीसा को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, इसे छोटा सा ऐसे एरो लगा दीजिए। तीसरा आपको देखने को मिलेगा टाडा, आपको देखने को मिलेगा टाडा, जो जिसके अंतर्गत संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था, टाडा के लिए आपको बताते हैं टाडा के बारे में थोड़ा सा। टाडा आपको देखने को मिलेगा, ये शॉर्ट में इसको, मतलब हिंदी में इसको टाडा ही बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है टेररिज्म, टेररिज्म या टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, मतलब जो आपको देखने को मिलेगा, जो इस तरह से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए इसको लाया गया था, स्पेशली जो इसको लाया गया था वो आपको देखने को मिलेगा 1985 से लेकर के 1995 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस समय क्या हुआ था कि
पंजाब है उसमें आतंकवाद बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। पंजाब के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बहुत तीव्रता से हो रही थी और यहाँ से ही पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट भी किए जा रहे थे। और यहाँ पर जो फिलिस्तीनी आंदोलन है वो बहुत ज्यादा तीव्र हो रहा था और इसमें राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय जो आपको देखने को मिलेगा शक्तियां थी उनके हाथ थे, जो भी विदेशी शक्तियां थी उनका हाथ था इसमें। तो आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब के अंदर आतंकवाद को कम करने के लिए, पंजाब के अंदर जो आतंकवाद था उसको कम करने के लिए टाडा स्पेस भी लाया गया था, लेकिन 1985 में लाया गया, 1985 में ये समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसी बीच में आप लोग जानते हैं, आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बता देते हैं, इसी बीच आप लोग जानते हैं कि 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हो जाता है। मुंबई में कई जगह सीरियल ब्लास्ट होते हैं और सीरियल ब्लास्ट में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और इसी बीच में क्या होता है, संजय दत्त की यहाँ भी छापेमारी पड़ती है, क्योंकि जब इस मुंबई में जो सीरियल बम ब्लास्ट होता है इसमें बॉलीवुड की विभिन्न हस्तियों के नाम आते हैं, जिनके इसमें संलग्न होने किसी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने के लिए इनको मतलब सहायता करने के इनके नाम आते हैं। तो इसी क्रम में संजय दत्त जो होता है, तो संजय दत्त की यहाँ भी जब जांच की जाती है तो संजय दत्त के यहाँ राइफल निकलती है, जो आपको देखने को मिलेगा AK-47 है। तो AK-47 का ही आपको एक एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा, AK-56। ये AK-56 कई सारी यहाँ पर बंदूकें मिलती हैं और ये बंदूकें हैं इन्हें उन गतिविधियों में यूज किया जाना था, सीरियल बम ब्लास्ट के समय इनको यूज किया जाना था। और जब ये हथियार मिलते हैं संजय दत्त के यहाँ, तो संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 1993 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद संजय दत्त बाहर आ जाता है और आपको देखने को मिलेगा फिर एक क्रम स्टार्ट होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा जब जांच होती है तो जांच में पता चलता है ये तो वही हथियार हैं जो वहां पर यूज किए जाने थे, लेकिन कहा जाता है कि संजय दत्त को नहीं पता था। लेकिन आज तक ये कोई भी नहीं जानता बड़ी बड़ी हस्तियां क्या करती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आपको देखने को मिलेगा फिर हल्के हल्के समय बढ़ा, फिर 1995 में जाकर के संजय दत्त को जेल होती है, लेकिन यह जेल बहुत ही कम समय के लिए होती है। बार बार संजय दत्त पैरोल पर छूटता रहता है। अब देखिए पैसा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न हस्तियां होती हैं, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा जो भी दबाव होता है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। और संजय दत्त के खुद पिताजी होते हैं, वो खुद राजनेता होते हैं, तो राजनेता होते हैं तो उनकी भी बहुत ज्यादा पावर होती है, समाजवादी पार्टी है वो भी इनका सपोर्ट करने का प्रयास करती है। और फिर इनको बार बार पैरोल पर छोड़ा जाता है, मतलब ये जाते हैं 14-15 दिन जाते हैं फिर लौट आते हैं। फिर समय आ जाता है कि अंतरिम रूप से इनको जमानत दे दी जाती है, आपको देखने को मिलेगा 1997 में। ये सोचिए 1997 में संजय दत्त को जमानत दी जाती है और इनके ऊपर इस समय टाडा लगा हुआ था, टाडा एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी और टाडा एक्ट एक आतंकवादी गतिविधि के विरोध में लगाया जाता है। ये टाडा लग जाता है तो जिंदगी खराब हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, छूटने वाला नहीं होता इंसान। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 1997 में इतना पावरफुल इंसान था भाई, तो छूट गया आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा कि यहां से लेकर के 2006 तक, मतलब आप देख सकते हैं बीच का 9 साल, 9 साल तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ये बहुत बड़ा समय होगा कि इतने बड़ा आरोप लगने के बाद 9 साल तक कोई सुनवाई नहीं, 1997 में छूट गया, फिर 2006 तक ये सुनवाई बंद रही, एक तरह से स्थगित रही थी। लेकिन फिर से 2006 में एक निर्णय आता है जिसके अंतर्गत टाडा से तो बरी कर दिया जाता है संजय दत्त के लिए, लेकिन सजा सुनाई जाती है यहाँ पर फिर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, जो आर्म एक्ट लगता है, आर्म्स एक्ट मतलब हथियार रखने वाला एक्ट लगता है। इसमें माना गया कि जो संजय दत्त है वो आतंकवादी गतिविधियों में तो संलग्न नहीं था, लेकिन यहाँ पर हथियार मिले हैं तो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी जब 2007 में संजय दत्त फिर से जेल जाता है, फिर दोबारा से बार बार पैरोल पर आता है, यहाँ तक कि जब मीडिया इस बात को जब बार बार दिखाती है कि जब संजय दत्त बार बार जाता है वो बार बार छूट आता है, बार बार जाता है, बार बार छूट आता है पैरोल पर, तो इतना ज्यादा दबाव पड़ा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशली जो परोल होती है ना, परोल की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी में परिवर्तन करने के लिए विधायिका में एक स्पेशली यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था कि परोल की नियम है उनमें परिवर्तन किया जाए। और फिर जाकर के 2013 में जाकर के इसको 5 साल की सजा होती है, जाकर के फिर 5 साल की सजा होती है, लेकिन बाद में फिर इस सजा को फिर से कम कर दिया जाता है, 3 साल कर दिया जाता है। और फिर 2015-16 तक संजय दत्त छोड़ जाता है।
आपको देखने को मिलेगा इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बार बार पैरोल पैरोल पैरोल, जब मीडिया और लोगों ने जब इस पर दबाव बनाया तो मजबूरन में जाकर के कुछ समय के लिए इन्हें जेल में बंद रख इसको जेल में बंद रखा गया था। और आप देखेंगे कि 2016 की एक रिपोर्ट आई थी, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार जेल के अंदर लगभग में 4 लाख लोग बंद हैं। आपको देखने को मिलेगा कितने लोग, 4 लाख लोग बंद हैं, और इसमें से 70% लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ दोषी नहीं कभी करार दिए गए, केवल और केवल विचाराधीन मामले हैं, विचाराधीन मामले। अभी यानी कि उन पर क्या चल रहा है, सिर्फ निर्णय चल रहा है, अब वो भी छोटे मोटे अपराध, किसी ने किसी खोपड़ी फोड़ दी, किसी ने किसी का गृह भेदन कर दिया, ऐसे छोटे मोटे अपराध आपको देखने को मिलेगा, ये विचाराधीन विचाराधीन मामले हैं, इनमें एक कैद है। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि हजारों हजारों संख्या में ये 70% जो है ये लगभग में आपको देखने को मिलेगा 3 लाख, मतलब 2,92,000 करीब में वैसे संख्या है, हम लोग 3 लाख ही मान लेते हैं, मतलब 3 लाख लोग ऐसे हैं जो विचाराधीन मामलों के अंतर्गत, बेचारे गरीब लोग हैं, उनको एक बार बंद कर दिया जाता है वो सालों साल सड़ते रहते हैं, उनके ऊपर एक छोटा मोटा केस चलता होता है कि किसी ने किसी को अद्धा मार दिया था, घूसा मार दिया था, चक्कू मार दिया था, ऐसे छोटे छोटे में, और वो आज तक बंद हैं जेलों के अंदर। आपको जान के हैरानी होगी कि 50,000 से अधिक लोग, 50,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपनी सजा से ज्यादा, अगर उनको सजा हो भी जाती है इन फ्यूचर, अगर जैसे उनके ऊपर ऐसे मामले चल रहे हैं जो 5 साल 6 साल 7 साल की सजा होनी है उनको, अगर उस दोषी करार दिए जाते तब भी, और लेकिन वो 20 साल 15 साल 20 साल 25 साल से जेल के अंदर बंद है। अरे एक नैनी में आपको एक केस बताते हैं, नैनी में एक केस था कि वो केवल उसमें क्या हुआ था कि एक जब वो 18 साल का व्यक्ति था तो उसने अद्धा मार दिया था किसी को, अद्धा मार दिया तो खोपड़ी फूट गई थी, अब वो विचाराधीन मामला, वो जेल में तब से बंद थे और जब 56 साल की एज हो गई थी तब वो जाकर के छूटे थे और उन्हें बाइज्जत बरी किया गया था। ये सोचो जब वो 56 साल के बुढ़े हो गए, 18 साल की उम्र में जब वो जेल गए, 56 साल की एज में जब वो निकले जाकर के, तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, और बाद में आपने बाइज्जत बरी भी कर दिया, क्या फायदा है, वो इतनी पूरी जिंदगी तो जेल में ही रह लिए किसी को पत्थर मारने के जुर्म में। अरे इतना तो अगर जुर्म उस टाइम हो भी जाता तो उनको 2-3 महीने की सजा होती और छूट जाते। तो हमारे यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं भी देखने को मिलेगा, न्यायपालिका आज कहो न्यायपालिका के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, मानहानि लगा देगा। अरे न्यायपालिका है जो आपको देखने को मिलेगा वो विधायिका के उसमें कामों में बहुत अड़ंगा लगाती है कि तुम समय पे काम नहीं कर रहे हो। अरे आज लाखों लाख ऐसी फाइलें हैं जो यहाँ पर संगीन मामले हैं जिसमें कई बेटियां हैं जिनके साथ रेप हो चुका है, जो मर चुकी हैं, वो तड़फ रही, उनकी आत्माएं तड़फ रही कि आज हमको पहले न्याय मिल जाए, एक बार जो हमारे साथ में जुलुम किए थे उनको सजा मिल जाए तो हम मुक्त हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे संगीन मामले, वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा फाइल के रूप में आज भी पड़ी हुई है, लेकिन उनको नहीं, उनको तो ऐसी चीजों में, चटपटी चीजों में थोड़ा सा मजा आता है, जिसमें कि हाँ पर्यावरण पटाखे धार्मिक मामलों में थोड़ा सा हस्तक्षेप करो, उनको भी इसमें मजा आने लगा है अब आपको देखने को मिलेगा। और एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो जज हैं, एक तो वो अपने काम से भटक रहे हैं और चीजों में ध्यान दे रहे हैं, और इनकी संख्या भी बहुत कम है। आपको देखने को मिलेगा जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तब हमारे देश की जो जनसंख्या थी उस समय हमारी देश की जनसंख्या 37 करोड़ के करीब में थी। कितनी थी, 37 करोड़ के करीब में जनसंख्या थी। तो उस समय आप देखेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अधिकतम कितने जज होने चाहिए, 34 जज निर्धारित किए गए, यानी कि 37 करोड़ की जनसंख्या पर 34 जज से आज हमारे देश की जनसंख्या वर्तमान में बढ़कर के आप लोग जान के हैरान होंगे कि 125 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। कितनी, 125 करोड़ से भी ज्यादा ये जनसंख्या हो गई है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या सिर्फ मैक्सिमम 33 अभी जज हैं और 34 जज करने की बात की जा रही है, यानी कि जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा कितनी, 3 गुना लगभग में बढ़ गई है, लेकिन जजों की संख्या आज भी उतनी ही आपको देखने को मिलेगी। आज जजों की संख्या क्या 3 गुनी नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से कम 130 या 120 तो कम से कम जज होने चाहिए ना, अगर 120 जज होंगे तो जल्दी लोगों को तत्काल न्याय मिलेगा, अच्छी बात होगी। लेकिन इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा मेंस की आंसर राइटिंग में इंक्लूड करिएगा, लेकिन आपको लाइटली रूप से यूज करिएगा, जैसे हमने बताया भड़काऊ रूप से, बढ़ गया रूप से आपको यूज नहीं करना है, ओके। तो लेकिन टाटा को बाद में समाप्त कर दिया गया था आप लोग जानते हैं, और फिर टाटा को समाप्त किया गया तो हमें फिर से एक ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ी, तो टाटा की जगह पोटा लाया गया। क्या लाया गया, टाटा की जगह, टाटा को समाप्त कर दिया गया फिर उसकी जगह पोटा लाया गया, आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट।
टेररिज्म एक्ट ये 2002 में लाया गया था। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें कहा गया था कि जो जेल है उसमें अगर मैक्सिमम मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि जो जेल है उसमें मैक्सिमम 3 साल की यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया था। थोड़ा सा ये चीज आपको देखना है। और यहाँ पर अगर किसी को ये जो सजा होती है वो 3 साल से ज्यादा की होती है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, यूपा, जिसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्टिविटीज प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये आया तो 1967 में, लेकिन इसमें विभिन्न संशोधन किए जा चुके हैं। रिसेंटली भी आपको देखने को मिलेगा 2019 में भी इसमें एक संशोधन किया गया था। क्या किया गया था? इसमें संशोधन एक किया गया था। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से विभिन्न राज्य हैं, राज्य भी अपने अपने स्तर पर विभिन्न कानून लेकर के आते हैं। तो चलिए हम लोग उनको भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आप लोग नोट करिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो राज्य हैं, राज्य के कुछ कानून है, एक दो देख लेने, ज्यादा नहीं। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मकोका, मकोका, ओके, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मकोका बोलते हैं। ओके, और इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा आपको देखने को मिलेगा इसी तरह से गुजको का देखिए, यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर गुजरात, और फिर कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट आता है, यूपी गैंगस्टर एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट आता है, 1986 में आता है ये। ओके, डेट नहीं ध्यान रखनी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट आता है, जैसे मको का आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, गुजगो का आपको गुजरात, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती हैं, और अराजक तत्वों से, जो अराजक तत्व होते हैं और इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा निवारक नजरबंदी के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी आलोचना भी की जाती है। इतना खतरनाक है कि किसी व्यक्ति को ऐसे उठा करके डाल दिया जाता है, तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी की जाती है। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, भारत भारत में निवारक नजरबंदी कानून की आलोचना। तो चलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, तो आप लोगों को आंसर करना है। नंबर एक, पॉइंट फॉर्म में आप लिख लीजिए, नंबर एक, भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बल का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बल का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए। दूसरा, भारत जैसे देश में जहां बड़े पैमाने पर भारत जैसे देश में जहां बड़े पैमाने पर थोड़ा तेजी तेजी लिखिएगा, बड़े पैमाने पर अशिक्षा पाई जाती है और अशिक्षा पाई जाती है और नागरिकों में अधिकारों के प्रति और नागरिकों में अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है,
इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है, इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है, इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है, व्यवहार में भी पुलिस की कार्यवाही इन आशंकाओं को सही ठहराती है, व्यवहार में भी पुलिस की कार्यवाही इन आशंकाओं को सही ठहराती हैं, सही ठहराती हैं। चलिए निष्कर्ष लिख लीजिए थोड़ा सा कि आपका क्या मत होना चाहिए कि इसको समाप्त कर देना या नहीं कर देना चाहिए, आपको कुछ निष्कर्ष तो होना चाहिए। तो लिखिए, निवारक नजरबंदी के कानून के दुरुपयोग की आशंका तो है, निवारक नजरबंदी के कानून के, निवारक नजरबंदी के कानून के दुरुपयोग की आशंका तो है, आशंका तो है, फिर भी इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में, फिर भी इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों स्वीकार करना पड़ेगा, तर्क भी तो देने पड़ेंगे। तो चलिए लिखिए, नंबर वन, इन कानूनों का होना, इन कानूनों का होना देश की सुरक्षा और, देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा लिखिए, थोड़ा तेजी तेजी लिखिए, वर्तमान समय में जब नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियां, वर्तमान में जब नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियां गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं, उभरी हैं, एक कानून जरूरी हो जाते हैं, एक कानून जरूरी हो जाते हैं, जरूरी हो जाते हैं। तीसरा लिखिए, संविधान में इसे इसके संविधान में इसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है, संविधान में इसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। चौथा लिखिए, चौथा पॉइंट, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी, न्यायपालिका भी इसके दुरुपयोग को रोकती है, इसके दुरुपयोग को रोकती है, दुरुपयोग को रोकती है। पांचवा लिखिए, भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है जिसमें समय समय पर चुनाव होते हैं, भारत में लोकतंत्र हैं जिसमें समय समय पर चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, अतः जनता की अदालत किसी सरकार को, अतः जनता की अदालत किसी किसी सरकार को व्यवहार में इन कानूनों का दुरुपयोग करने से रोकती है, व्यवहार में इन कानूनों का दुरुपयोग करने से रोकती है, व्यवहार में इन कानूनों का दुरुपयोग करने से रोकती है। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट हम लोग अब शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार, अधिकार ये अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में दिए रखे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं कि आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपका कोई शोषण
शोषण करता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 है वो मनाही करता है मानव दुर्व्यापार और साथ में बेगार और बाल श्रम की मनाही करता है, निषेध करता है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि किसका निषेध करता है, आपको देखने को मिलेगा ये क्या करता है, निषेध करता है मतलब प्रोहिबिटेड करता है। क्या प्रोहिबिटेड करता है, तो नंबर 1 ये बोलता है मानव दुर्व्यापार, और दूसरा क्या कहता है बेगार, और इसी में बोला गया है बेगार के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा बालत श्रम की मनाही करता है ये बालत श्रम। देखिए मानव दुर्व्यापार जिसको बोलते हैं ह्यूमन ट्राफिकिंग। दूसरा आपको बेगार देखने को मिलेगा, बेगार होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेगर, क्या इसको बोलते हैं बेगर बोलते हैं, और बालत श्रम है इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। ओके हम पहले सभी के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए आपको मानव दुर्व्यापार से तात्पर्य क्या है, यानी कि मानव दुर्व्यापार की मनाही करता है, बेगार की मनाही करता है और बालक श्रम की भी मनाही करता है। आखिर मानव दुर्व्यापार क्या है, मानव जो होता है जिसके अंतर्गत, मानव के अंतर्गत कौन आता है, मानव के अंदर पुरुष आता है, स्त्री आता है, साथ में बच्चे आते हैं, इन सभी को शामिल किया गया है। ओके तो मानव दुर्व्यापार वो व्यापार होता है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं मानव होते हैं उनकी ऐसा वस्तु मतलब एक वस्तु के समान किसी चीज के समान खरीद बिक्री की जाती है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कोई मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, भूमि हो, इस तरह से खरीद बिक्री की जाती है, उसी को बोलते हैं मानव दुर्व्यापार। और इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि वेश्यावृत्ति भी आता है, अगर किसी व्यक्ति को उसके शरीर को बेचा जाता है, किसी अगर कोई व्यक्ति है वो अपने शरीर को बेचता है किस अनुसार, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से एग्रीमेंट करता है कि आज हमारे रात में आप हमारे साथ सो सकते हैं और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो भी मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चों को महिलाओं को बेच दिया जाता है एक रात के लिए, एक घंटे के लिए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो वेश्यावृत्ति भी इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो मानव दुर्व्यापार क्या होता है, तो नंबर 1 आपको लिखिएगा मानव दुर्व्यापार इसी तरह से लिख लीजिए लाइन में। ओके मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मानव अर्थात महिला पुरुष बच्चे को वस्तु के समान खरीदा एवं बेचा जाता है, तब इसे ह्यूमन ट्राफिकिंग कहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज एक बहुत बड़ा आपको ये देखने को मिलेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना केवल वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो मानव व्यापार है आपको देखने को मिलेगा, ये कई पर्पज से किया जाता है, एक दास बनाने के लिए कि भाई घर में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, बागान में काम करने के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए जो सेक्सुअल एक्सटॉर्शन होता है उसके लिए भी किया जाता है, इसके अलावा ऑर्गन बेचने के लिए कि हमको एक ऐसी लड़की या ऐसे लड़का या फिर ऐसे पुरुष या फिर ऐसी स्त्री की आवश्यकता है जिसका हार्ट क्या हो, एकदम अच्छा हो, बढ़िया हो। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो दूसरे देशों में उसका हार्ट बेच दिया जाता है, आंख बेच दी जाती है, उनको जो भी अंग की आवश्यकता होती है वो बेच दी जाती है। तो मानव दुर्व्यापार कई पर्पज से किया जाता है। वर्तमान में लिखिए मानव दुर्व्यापार में, वर्तमान में मानव दुर्व्यापार एक संगठित अपराध बन चुका है, संगठित अपराध बन चुका है। मानव दुर्व्यापार विशेषता अनैतिक दुर्व्यापार, ब्रैकेट में लिख लीजिए वेश्यावृत्ति, अनैतिक दुर्व्यापार
ब्रैकेट में लिख लीजिए वैश्यावृत्ति कॉमा 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 दासी दास प्रथा कॉमा दास प्रथा एवं 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 शारीरिक अंगों के लिए भी किया जाता है, के लिए भी किया जाता है। जैसे कि वैश्यावृत्ति के लिए एक अधिनियम, वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, अनैतिक व्यापार, अनैतिक दुर्व्यापार, दुर्व्यापार निषेध अधिनियम जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए वैश्यावृत्ति, 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 तो 1956। ये बहुत घातक आपको देखने को मिलेगा अगर कोई इस प्रकार का कार्य करता है कि अगर किसी की देह को बेचता है तो उसमें अनैतिक दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता। हाँ, अगर एक कोई मनुष्य है वो अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के साथ में अगर किसी पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन रखता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन वो किसी एग्रीमेंट के तहत या फिर किसी अन्य कारण से, जैसे कि धन धन हो या फिर कोई भी बहुमूल्य संपत्ति, उसके बदले अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो वो अनैतिक दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसमें ये सारी चीजें शामिल की गई। इसके अलावा इसमें देखिए तीसरा लिख लीजिए देवदासी भी आता है, तीसरा नहीं आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए नोट। इसमें देवदासी, देवदासी या फिर दास भी शामिल किया गया है। देवदासी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर लोग अपनी लड़कियों को दान कर देते हैं एज अ देवदासी के रूप में, कि या फिर किसी गुरु के पास छोड़ देते हैं एज अ देवदासी के रूप में, ये भी क्या है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। तो देवदासी भी क्या है, एक मानव दुर्व्यापार वर्तमान में माना गया है। अगला लिखिए बेगार। ओके, बेगार क्या होता है, चलिए लिख लीजिए बेगार, बेगार उचित भुगतान के बिना, उचित भुगतान के बिना, बिना किसी से कार्य करवाना बेगार कहलाता है, उचित भुगतान के बिना किसी से कार्य करवाना बेगार कहलाता है। जैसे कि किसी को कार्य कराया जा रहा है 50 रुपए पर, आज जो कम से कम वेतन निर्धारित किया गया है कि 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए किसी व्यक्ति को दिए जाने चाहिए, लेकिन उसको 50 रुपए पर बोले कि तुमको खाना देंगे, थोड़ा सा रहने के लिए दे देंगे, 50 रुपए दे देंगे, आओ तुम हमारे यहाँ काम करो, ये क्या है, बेगार है। बेगार के अंतर्गत वो भी आता है अगर किसी किसी को आर्थिक रूप से या फिर उसको जैसे कि पैसे दे दिए कि लो तुम्हें पैसे 5,000 की, 5,000 रुपए दे दिए, अब वो जो ये पूंजीपति लोग होते हैं फिर क्या करते हैं, उससे जमींदार लोग होते हैं अपने घर का मुफ्त में काम कराते रहते हैं, उसने 5,000 रुपए ले लिया, उससे कहते हैं जाओ अच्छा चरी काट लाओ हमारी, अच्छा जाओ भैंसियों को हमारी पानी पिला दो मुफ्त में, तो आपको देखने को मिलेगा ये भी बेगार के अंतर्गत आता है। ओके, और बालत श्रम क्या होता है, इसमें लिख लीजिए बालत श्रम, इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करना, बालत श्रम में लिखिए इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करना, यानी कि इच्छा के विरुद्ध उसका मन नहीं है और उससे वो काम कराया जा रहा है, तो ये क्या होता है, बालत श्रम होता है, जबरन जो काम कराया जाता है उसको फोर्स लेबर या फिर बालत श्रम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पहले अंग्रेज हम लोग देखते थे कि जबरन काम कराते थे, इस बालत श्रम फोर्स लेबर का एक नया रूप भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जो शिक्षित लोग हैं जो PhD किए हुए हैं लेकिन वो पकौड़ी बेच रहे हैं मजबूरी में, रिक्शे चला रहे हैं मजबूरी में, नरेगा में काम कर रहे हैं जाकर के, तो नरेगा में कार्य कर रहे हैं मतलब अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत PhD किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, वो नरेगा में काम कर रहे हैं जाकर के, वो भी बालत श्रम की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आप अपनी क्षमता से क्या कर रहे हैं, कम काम आप कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है कि नरेगा में काम करना, आप PhD इसलिए कि आप नरेगा में काम करें, तालाब को दें, नाली साफ करें जाकर के, तो वो भी बालत श्रम के अंतर्गत आता है। लेकिन देखिए इसके अपवाद भी हैं, देखिए जो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बेगार हो गया, बालत श्रम हो गया, मानव दुर्व्यापार हो गया, ओके, इसके कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपवाद आपको देखने को मिलेगा जनहित, जनहित या सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित के लिए ऐसा किया जा सकता है। सार्वजनिक हित का मतलब क्या है भाई,
बाल श्रम आपसे कराया जा सकता है, इसके अलावा बेगार भी कराया जा सकता है, राज्य ऐसा कर सकता है। कब कर सकता है? जैसे कि मानते हैं डिजास्टर आ गया कोई, या फिर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, अब हमें सैनिकों की तत्काल आवश्यकता है, तो सरकार ऐसा कर सकती है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति सैनिक सेवा देगा जा करके, या फिर प्रत्येक व्यक्ति का ये कठोर नियम बनाया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 16 से 22 साल के बीच में आकर के एक बार सैन्य सेवा देनी है आकर के, जैसे कि इजराइल, बहुत सारे देश हैं जहां पर ऐसा किया जाता है कि अनिवार्य सैनिक सेवा होती है कुछ समय के लिए। जैसे हमारे यहाँ अग्निवीर आया, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा वहां भी कुछ समय के लिए सर्विस दी जाती है, फिर अगर कि आप कुछ भी काम करिए, लेकिन आपको 5 साल 4 साल कुछ काम करना होता है। इसी तरह से गवर्नमेंट कह सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने मोहल्ले की सफाई सप्ते में एक बार अपने मोहल्ले की सफाई सभी लोगों को मिलकर के करनी है। आप कहेंगे हम डॉक्टर हैं कैसे सफाई करें, नहीं ये किया जा सकता है, सार्वजनिक हित है, जनहित में ऐसा कार्य करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। जब कोरोना काल आया तो डॉक्टरों के लिए जबरन बुला करके बोला गया कि आप कम पैसे पे काम करो, वहां पर हमें पैसा तो नहीं आ रहा था, तो कहा गया नहीं आपको पैसे कम मिलेंगे लेकिन आपको पूरे 24 घंटे काम करना है, 18 घंटे काम करना है, 12 घंटे आपको काम करना है, क्योंकि अभी क्या है, एक महामारी का दौर चल रहा है। तो वहां पर बाध्य किया जा सकता है, आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सैन्य सैन्य या सामाजिक सेवा के रूप में, सामाजिक सेवा के रूप में, जैसे कहीं पर त्रासदी आ गई, अब बोलेंगे जब पैसे देंगे तभी आप काम करने जाओगे, नहीं, गांव के सभी लोग चलो, जो जो है, जो भी हस्त पुष्ट हैं उठा सकते हैं, 2 4 लोगों के लिए दौड़ सकते हैं लेकर के, वो सभी चलो हमारे साथ में, और वहां पर त्रासदी आई हुई है, वहां पर लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं जा करके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बेकार और बधुआ मजदूरी के लिए विभिन्न कानून आए, जैसे कि अभी हम आपको बताए थे अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम आया, इसी तरह से बेकार के लिए भी विभिन्न कानून आए, जैसे कि बधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम, ये 1976 में आया। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा न्यूनतम, ये बेगार के लिए था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम ये 1948 में आया कि कम से कम इतनी मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा ठेका श्रमिक अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम ये 1970 में आया, डेट नहीं ध्यान रखनी है, बस नाम ध्यान रखना है, यही पुट कर देना है आप लोगों के लिए बस। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा समान परिश्रमिक अधिनियम, ये महिलाओं के लिए स्पेशली था कि जितना कार्य, अगर 8 घंटे महिला कार्य कर रही है, 8 घंटे पुरुष कार्य कर रहा है, तो दोनों के लिए क्या मिलेगा, समान परिश्रम मिलेगा। मतलब अगर 500 रुपये पुरुष के लिए मिल रहा है तो 500 रुपये स्त्री के लिए मिलेगा, ऐसे नहीं उसको 300 रुपये देकर के काम चलाया जा सके, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको 1976 में आपको देखने को मिलेगा, 1976 में आया, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आप कुछ कुछ यहाँ पर लिख लीजिए। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 24 की ओर, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं साइड साइड जाता हूँ, हम लोग कुछ ना दिख रहा हो, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 24 की बात कर लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, जल्दी से डालिए। अनुच्छेद 24। ओके, अनुच्छेद 23 है वो मानव दुर्व्यापार बालत श्रम की बात करता है, इसके अलावा बेगार की बात करता है, आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 24 किसकी बात करता है, ये कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है, नियोजन का निषेध करता है। ओके, आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो बालक हैं उन्हें किसी खतरनाक जो कार्य होते हैं, जैसे कि पटाखा बनाने वाला, शीशा वाला उद्योग हो गया, कोयला वाला उद्योग हो गया, इस तरह से जहरीली जो उद्योग होते हैं, खतरनाक उद्योग होते हैं, उनमें नियोजित नहीं किया जा सकता, ये कहता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि कारखाना कौमा खान कौमा खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता, में नहीं लगाया जा सकता, नियोजित नहीं किया जा सकता।
ओके, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख लीजिए। तो इसके लिए आपको देखने को मिलेगा, आखिर बालक से तात्पर्य क्या है? बालक से तात्पर्य 14 साल से कम आयु वर्ग का जो व्यक्ति है उसको बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि संसद ने यहां पर, संसद ने यहां पर बाल श्रम, बाल श्रम, बाल श्रम निवारण, बाल श्रम निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लेकर के आई, नियंत्रण अधिनियम लेकर के आई, ये 1986 में लेकर के आई। इसमें कहा कि सभी प्रकार का जो श्रम है वो क्या होगा, अवैध होगा। भाई किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कराया जा सकता, सभी प्रकार, सभी बाल श्रम, सभी बाल श्रम शामिल किए गए। मतलब अब ये नहीं केवल खतरनाक, भाई कोई भी हो, चाय पिलाने वाला हो, ढाबे पे काम करने वाला हो, किसी भी प्रकार का श्रम हो, सब इसमें शामिल किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, बालक को अगर उसने नियोजित किया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो दोषी माना जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत, और उस दोषी के लिए 3 माह की सजा, 3 माह की सजा और प्लस 1,000 रुपए जुर्माना उसको देने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है वर्तमान में, इसका 2016 में नाम परिवर्तित करके, यहाँ पर पहले आपको देखने को मिलेगा ये बल नहीं बाल आपको देखने को मिलेगा, बाल श्रम निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1986 था, 2016 में इसका नाम बदल के नाम परिवर्तित कर दिया गया, और परिवर्तित करके बाल की जगह बाल एवं किशोर श्रम निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपको देखने को मिलेगा। बाल के अंतर्गत 14 साल, किशोर के अंतर्गत क्या आ जाता है आपको देखने को मिलेगा कि 18 साल से कम आयु वर्ग के, यानी कि 14 साल से 18 साल की आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें किशोर की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें क्या किया गया, आयु सीमा को बढ़ा दिया गया। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इसका नाम परिवर्तित करके बाल, बाल एवं किशोर, बाल एवं किशोर श्रम निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, आप लोग पूरा लिख लीजिए, हम पूरा नहीं लिखे हैं। बाल एवं किशोर श्रम निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 आपको देखने को मिलेगा। बाल कौन है, 14 साल से कम, लेकिन ये 14 साल से इसकी आयु बढ़ा दी गई। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था, आपको देखने को मिलेगा 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, निर्देश दिया कि जो बाल श्रम, बाल श्रम श्रम पुनरावास कल्याण कोष का गठन किया जाए, कल्याण कोष की स्थापना या फिर गठन किया जाए। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, और इस कोष के माध्यम से जो स्थापना की जाएगी इसकी, इसमें उस बालक के शिक्षा कौमा स्वास्थ्य कौमा पोषण तीनों स्तरों पर फोकस किया जाएगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा 2005 में बालकों के संरक्षण के लिए आयोग का गठन किया गया, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर राज्यों का गठन किया गया। बाल संरक्षण बालक अधिकार, अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग, ये आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई, और ये आपको देखने को मिलेगा राज्य और केंद्र स्तर दोनों पर के देखने को मिलेगी। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल श्रम संरक्षण अधिनियम भी, फिर बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से राज्य स्तर पर भी आपको देखने को मिलेगा, राज्य बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं सॉरी आयोग आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया गया, शीघ्र विचरण का भी इसमें प्रावधान किया गया, शीघ्र विचरण, जैसे इंस्टेंट न्याय मिलने के लिए शीघ्र विचरण के लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया कि भाई ऐसा मामला है तो इंस्टेंट यहाँ पर एक्शन लिया जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि मामला लंबित है, जब तक तक बच्चा था 12 साल में केस दर्ज किया गया, अब हो गया 22 साल का तब निर्णय दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। इंस्टेंट निर्णय होना चाहिए, शीघ्र विचरण होना चाहिए कि आज केस आया और जल्द से जल्द 2-4 महीने में, 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो ये खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब उस पर मामला दर्ज किया गया तो 10 साल का था और जब सुनवाई हुई तो वो 30 साल का हो गया, क्या ही मतलब है उसका।
तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इस आयोग का गठन किया गया, यही आयोग है, ये बालकों के अधिकार पर निगरानी रखती है, कहीं पर बालकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज भी हनन हो रहा है, वो तो एक अलग बात है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 2006 में गवर्नमेंट ने बच्चों से तत्पर किया जिनकी 14 वर्ष से आयु कम है। ओके, आपको देखने को मिलेगा बच्चों को, नंबर एक बच्चों को इधर लिख देते हैं। ओके, बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में एवं जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मतलब क्या है, जैसे कि होटल हो गया, कोई रेस्तरा हो गया, कोई स्पा हो गया, कोई सिनेमा हॉल हो गया, मतलब जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी बात की गई। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नियोजन पर रोक लगाई। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, और रोक लगाने के साथ में इसको दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया, लेकिन इसी में आपको देखने को मिलेगा कुछ संशोधन किए, संशोधन करके जो आपको अभिनय के लिए बच्चों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे मूवियों में, फिल्मों में, नाटक में, विभिन्न कार्यक्रम में बच्चों का रोल दिखाया जाता है, तो वहां पर जो कलाकार बच्चे होते हैं ना, आपको देखने को मिलेगा एज अ एक्टर जो बच्चे होते हैं उनके लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए, और कहा गया कि जो उनका समय है स्कूल के समय उनसे ये कार्य नहीं कराया जा सकता, स्कूल के बाद अतिरिक्त समय में उनसे काम कराया जाएगा, और उसमें भी उन विशेष संरक्षण के अंतर्गत उनसे काम कराया जाएगा, कोई भी ऐसा खतरनाक स्टंट उनसे नहीं कराया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, और बच्चे जो आकर के अभिनय करेंगे वो उनके लिए आपको स्पेशली उस तरह की एक लोग रखने होंगे, नहीं ऐसे नहीं सब आदमी आदि में वहां पर भरे हुए हैं और बच्चे की कोई देखरेख नहीं, बच्चे की देखरेख के लिए केयरटेकर के रूप में वहां पर किसी व्यक्ति का होना, किसी महिला का होना अनिवार्य है, और सेफ्टी के सारे मेजर का भी उपयोग किया जाए, और समय काम के घंटे भी निर्धारित किए गए, यानी कि बच्चे को ऐसे नहीं 8 घंटे तक उससे शूटिंग ही कराए जा रहे हैं, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उनको भी यहाँ पर निर्धारित किया गया। तो ये जो काफी महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा अगला धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो इसकी बात करते हैं, एक कितने से कितने आर्टिकल में दिया गया है, तो आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में आपको ये अधिकार देखने को मिलेंगे कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों के लिए दिया गया है। तो चलिए हम लोग इनकी वन बाई वन करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25 है कि आर्टिकल 25 आखिर क्या कहता है। तो चलिए पहला आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 25। आप लोगों के जो भी डाउट हो वो आप मैसेज करके बोल दीजिए, वो सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, कल वाली क्लास में हम क्लियर कर देंगे कोई भी आपका डाउट होगा। तो देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो लिख लीजिए, आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होगी कि वो अपने धर्म को मानने मानने कैसे मानने अंतःकरण की शक्ति के द्वारा मानने अंतःकरण अंतःकरण की अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं आपको देखने को मिलेगा किसी धर्म को मानने मानने कौमा उस धर्म का प्रचार करने
धर्म का प्रचार करने और साथ में आपको देखने को मिलेगा उसका आचरण करने, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, यानी कि वो अंतःकरण की स्वतंत्रता के द्वारा वो किसी भी धर्म को मान सकता है। जैसे वो चाहता है कि मैं ईसाई धर्म को अपनाना चाहता हूँ, मैं अंदर से मेरी आवाज आ रही है कि मैं ये जो भी धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म है, मैं वो धर्म अपनाना चाहता हूँ, तो वो अपना सकता है, कोई भी उसको बाध्य नहीं कर सकता। ओके ओके, तो धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसकी जो बातें हैं उसमें जो भी चीजें बोली गई उनका प्रचार कर सकते हैं। ओके, और उन परंपराओं का आचरण भी कर सकते हैं। तो आचरण से एक मुद्दा निकल के आता है संथारा, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ये आपको देखने को मिलेगा। धर्म परिवर्तन का अधिकार देती है, धर्म परिवर्तन का अधिकार है, वो एक आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण कराना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है, लेकिन आप मेरा धर्म परिवर्तन कराएं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकूं, ये आपका अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है कि हम अपना अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं कर सकता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर मैं चाहूँ मैं किसी और का धर्म परिवर्तन कराऊं तो किसी और का धर्म परिवर्तन कराऊं, ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो धर्मांतरण कराना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन धर्मांतरण करना मौलिक अधिकार है। दो चीजें हैं, आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें और बातें भी बोली गई हैं, इसमें और आर्टिकल 25 के अंदर ही और बातें भी बोली गई हैं, जैसे कि हिंदू हिंदू धार्मिक संस्थाएं, हिंदू धार्मिक संस्थाएं संस्थाएं सभी वर्गों के लिए ओपन होंगी, सभी वर्गों के लिए ओपन होंगी। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये यहां पर हिंदू से तात्पर्य क्या है, हिंदू से तात्पर्य है कि हिंदू धर्म के लोग, हिंदू से तात्पर्य है जैन धर्म के लोग, हिंदू से तात्पर्य है बौद्ध धर्म के लोग, हिंदू से तात्पर्य है सिख धर्म के लोग। ध्यान रखिएगा, ये जो चार धर्म के लोग हैं ये हिंदू धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे, स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो सिख हैं उनको, सिखों को कृपाण धारण करना उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। कृपाण धारण करना उनका क्या है, मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर कुछ सीमाएं भी हैं, चलिए हम सीमाओं की बात कर लेते हैं। इसमें सीमाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, यहाँ पर सदाचार के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रताओं पर इन तीन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। वो सदाचार हो सकता है, कानून व्यवस्था हो सकती है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य हो सकता है। ओके, पब्लिक हेल्थ के आधार पर, सदाचार के आधार पर, और कानून व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर के आधार पर इस पर रोक लगाई जा सकती है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रताएं इन आधारों पर नहीं होंगी आपकी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, जब ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला आता है तो ये बहुत ज्यादा इसका कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, आर्टिकल 25 है ये बहुत ज्यादा विवादित रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये आर्टिकल 25 है, ये आपके धर्म में जो चीजें देख गई हैं उनके आचरण की स्वतंत्रता देता है। मतलब आप अपने धर्म में बताई गई बातें, जो प्रथाएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, उनका क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 के अंदर ही आ रहा है ना, आचरण, अपने धार्मिक परंपराओं का आचरण करने का अधिकार है। जैसे कि आपके धर्म में बताया गया है व्रत रहना, तो आप व्रत रह सकते हैं। आपके धर्म में बताया गया है पूजा पद्धति के बारे में, पूजा पद्धति कर सकते हैं। आपके धर्म में बताया गया हवन करना, तो हवन कर सकते हैं। आपके धर्म में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा किसी भगवान की प्रार्थना करना बताया गया है, जैसे कि अजान होती है, अजान करना है, वो आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब ये आती है धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता की बात आती है, तो यहाँ पर जैसे कि संथारा, संलेखना आपको देखने को मिलेगी, इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आपको देखने को मिलेगा कि संथारा, संथारा प्रथा, या फिर जिसको संलेखना बोलते हैं, संलेखना प्रथा प्रथा और आचरण की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता। ओके, तो देखिए यहां से क्या बन जाता है,
क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। यहाँ पर आपसे आलोचनात्मक परीक्षण। देखिए, संधारा और संलेखना में एक व्यक्ति अपने जीवन को त्याग देता है। अपने जीवन को वो क्या करता है, अपने अपने आप को, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी प्रथा है जिसमें अन्न जल का त्याग दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की क्या होती है, हालत खराब हो जाती है, उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा धार्मिक स्वतंत्रताओं पर बैन लगाया जा सकता है, पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर। और आपको देखने को मिलेगा कि विभिन्न कानून है जिसमें आत्महत्या क्या है, दंडनीय अपराध है। तो जैसे कि हम लोग कल देखे थे, ओके, आईपीसी की धारा 309 आपको देखने को मिलेगी, क्या है वो, दंडनीय अपराध घोषित करती है। तो देखिए, यहाँ पर जब बात आती है तो क्या है, जो संधारा, जो संलेखना है, यह है जैन धर्म की एक प्रथा है। जैन धर्म की, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैन धर्म की एक प्रथा है, एक प्रथा है, ओके। इसमें क्या किया जाता है, लिख लीजिए, संथारा या संलेखना, संलेखना प्रथा में, संथारा या संलेखना प्रथा में व्यक्ति खाना पीना छोड़कर, खाना पीना छोड़कर अपने शरीर का त्याग कर देता है, त्याग कर देता है। समानता यह है वृद्धा अवस्था में, समानता यह है वृद्धा अवस्था में किया जाता है। तो देखिए, यह क्या है, एक जैन धर्म की प्रथा आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है, हाई कोर्ट ने इसको अवैध करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई संधारा और संलेखना है, ये नहीं हो सकता, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंतर्गत क्या कहा कि ये वैध है, आपको देखने को मिलेगा क्या है, ये वैध है। और यह है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो हाई कोर्ट ने अपना मत दिया था, क्योंकि बोला था कि यह है आर्टिकल, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 21 का विरोध करता है, विरोध करता है। लेकिन लिखिए, लेकिन लेकिन आर्टिकल 25 के अनुसार, आर्टिकल 25 के हिसाब से, आर्टिकल 25 के अनुसार या आर्टिकल 25 के हिसाब से यह हमारा मौलिक अधिकार है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। तो देखिए, संधारा संलेखना केवल और केवल जैन धर्म के अलावा अन्य किसी भी समुदाय के लोगों को प्राप्त नहीं है, केवल जैन धर्म के लिए स्पेशली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली परमिशन दी है, अन्य धर्म के लोग ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जैन धर्म के लोगों के लिए। अगर आप दूसरे धर्मों से बिलोंग करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, आपके ऊपर दंडनीय अपराध होगा। लेकिन अगर आप जैन धर्म के अनुयायी हैं और जैन धर्म के अनुयायी है और आप संथारा या संलेखना करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओके, ये दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आचरण की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता एवं दिवाली में पटाखे जलाने, दिवाली में पटाखे पटाखे जलाने पर नियंत्रण, जलाने पर नियंत्रण। देखिए, जहां एक ओर ये आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम पटाखे फोड़ने, हिंदू धर्म में पटाखा फोड़ना क्या है, ये एक धर्म से, एक त्योहार से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बोला गया कि आप अपनी परंपराओं को अपना सकते हैं, आचरण की स्वतंत्रता है, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन वहीं और जब हम पटाखे बजाते हैं तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, आपको देखने को मिलेगा कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए घातक है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की जहां बात आती है, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 21 का भी ये उल्लंघन करती है, तो यहाँ पर बात आती है कि आप पटाखे नहीं बजा सकते। और फिर ये मैटर कहाँ पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, तो थोड़े से आपको इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। तो देखिए, एक केस आता है आपको देखने को मिलेगा, एमसी मेहता, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, संघ में। देखिए, इस में जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ है ना, इसमें कहा जाता है कि स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है वो व्यक्ति का आर्टिकल 21 के अनुसार एक मौलिक अधिकार है, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है, एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। वही मेनका गांधी
मामले में आपको देखने को मिलेगा मेनका गांधी, मेनका गांधी मामला बनाम भारत संघ में जो मामला आता है, इसमें कहा जाता है कि जो स्वच्छ जल बा वायु की स्वतंत्रता, स्वच्छ जल और वायु की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के अनुसार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए अब यहां पर पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या हो गया? एक मौलिक अधिकार हो गया। दूसरी तरफ क्या है? आचरण का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। दो मौलिक अधिकार आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो अब किसको माना जाए? बड़ी समस्या आ गई। तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो चलिए लिखते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में पटाखे जलाने को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में पटाखे जलाने को आचरण की स्वतंत्रता माना, आचरण की स्वतंत्रता माना और इसे रोका नहीं जा सकता, और कहा इसे रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पटाखे रात में नहीं जलाए जाएंगे, पटाखे रात में नहीं जलाए जाएंगे। ओके, रात का मतलब आपको देखने को मिलेगा कि सुबह, मतलब रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, तो रात का तात्पर्य ये है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रात से तात्पर्य शाम या फिर रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है, रात का समय होता है, यानी कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं बजाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न बाद में फिर से निर्णय दिया, और निर्णय के माध्यम से कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पटाखों पर बैन लगाया जा सकता है, और वहां पर सिर्फ ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। कौन से? ग्रीन पटाखों का कॉन्सेप्ट आया कि भाई पर्यावरण प्रदूषण को भी ध्यान रखना है, तो ग्रीन ग्रीन पटाखे पटाखे ही जलाए जा सकते हैं, जलाए जा सकते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीन पटाखे, तो समय समय पर न्यायालय है वो अपने विभिन्न निर्णय देती रहती है, और इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर ही आता है, आपको देखने को मिलेगा कि धर्मांतरण, धर्मांतरण बहुत महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लव जिहाद आपको देखने को मिलेगा। तो आपका क्या एक सटीक आंसर आपका होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि देखिए, प्रचार करने का, प्रचार करने का सॉरी प्रचार करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं धर्मांतरण विवाद, एवं धर्मांतरण का विवाद। देखिए, जहां आर्टिकल 25 है वो ये कहता है अंतःकरण के द्वारा आप किसी भी, अंतःकरण के द्वारा आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, वहीं उसी आर्टिकल, आर्टिकल 25 में एक बात और जुड़ी हुई है कि आपको अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या कर सकते हैं? प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जब प्रचार करने की स्वतंत्रता है, क्या इसके अंतर्गत धर्मांतरण भी आता है? तब ये क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हुआ धर्मांतरण को लेकर के। तभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें केस आता है, आपको देखने को मिलेगा कि फादर फादर स्टेस लॉस बनाम स्टेसनिस बनाम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एक कब आता है? 1977 में आता है। तो लिखिए, इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। लिखिए, न्यायालय के अनुसार धर्मांतरण करवाना, धर्मांतरण करवाना या धर्मांतरण करने का अधिकार, या धर्मांतरण करने का अधिकार करने का अधिकार
करने नहीं, करवाने लिखिएगा, करने होगा तो हम अपने आप को कर रहे हैं, लिखिए करवाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। धर्मांतरण, करवाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है, स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो यह उसका मौलिक अधिकार है, तो यह उसका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो वह उसका मौलिक अधिकार है। इस प्रकार धर्मांतरण भारत में संविधान के विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार भारत में धर्मांतरण सॉरी धर्मांतरण भारत में संविधान विरुद्ध नहीं है, लेकिन लेकिन धर्मांतरण हमेशा स्वेच्छा पूर्वक होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण हमेशा स्वेच्छा पूर्वक होना चाहिए। छल से बल से या लोभ से, छल से बल से कौमा लोभ से करवाया गया धर्मांतरण अवैध होगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे कि लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या हुआ होता है कि जो गर्ल्स होती है उनको फंसा लिया जाता है, फिर बाद में उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। यानी कि धर्मांतरण होना चाहिए वो किसी लोभ से नहीं होना चाहिए कि आपको इतना पैसा देंगे आपका धर्मांतरण करा देंगे। ईसाई लोग बहुत करते हैं, आप लोग देखेंगे जो आदिवासी समुदाय आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा, तो इनका पूरा का पूरा गिरोह चलता है। ये क्या देते हैं, कहते हैं हम आपको पैसा देंगे, हम आपको थोड़ा घर बनवा देंगे, हम आपको दवाई देंगे, और फिर उसके बहाने हल्के हल्के उनका धर्मांतरण करते हैं, लोभ से करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, अवैध है। इसी तरह से लव जिहाद में भी क्या किया जाता है, झांसा दिया जाता है, शादी का झांसा दिया जाता है, विभिन्न झांसे दिए जाते हैं। पहले प्यार किया जाता है, फिर बाद में बताया जाता है नहीं हम इस धर्म से नहीं इस धर्म से हैं, तो बाद में जब हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा वो भी क्या है, अवैध है। लव जिहाद क्या है, अवैध है। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोभ के द्वारा किसी भी प्रकार का लोभ हो सकता है, वो भी अगर धर्मांतरण कराया जाता है वो भी क्या है, अवैध। हाँ, अगर कोई अपने स्वेच्छा से चाहे कि मैं सिख धर्म में जाना चाहता हूँ, मैं हिंदू धर्म में जाना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ, स्वेच्छा से जाना चाहता है, वो उसका मौलिक अधिकार है। कोई भी ताकत इस दुनिया की उसको नहीं रोक सकती धर्मांतरण करने से, लेकिन धर्मांतरण कराने से रोक सकती है अगर वो किसी छल बल का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ऐड की गई कि सिख लोगों, लिखिए सिख, आपको लिखना है सिख धर्म के लोगों को कटार का अधिकार का अधिकार अधिकार आचरण की स्वतंत्रता के तहत, आचरण की स्वतंत्रता के तहत दिया गया है। आपको देखने को मिलेगा जो सिख लोग होते हैं वो पंच कक्के धारण करते हैं। पंच कक्के के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि का फॉर केस, का एक और होता है जिसमें बोलता है कंघा, पांच का मतलब है, और अगला का क्या है कड़ा, अगला का क्या है कच्छा, झुकी सभी धारण करते हैं। इसके अलावा कृपाण सभी धारण नहीं करते हैं। देखिए आपको देखने को मिलेगा जो सिख धर्म के लोग होते हैं वो केस, बड़ी जटाएं, केस रख सकते हैं, ये उनका क्या है आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। कंघा, कंघा रख सकते हैं, कड़ा, कड़ा हाथ में पहन सकते हैं। इसके अलावा कच्छा, कच्छा तो सभी पहनते हैं, और
कृपाण कृपाण भी रख सकते हैं। ये सबके सब क्या है, आचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं उनके। ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 26 के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुच्छेद 26। ओके तो लिखिए प्रत्येक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, प्रबंधन का अधिकार होगा। ओके प्रबंधन का अधिकार होगा, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत मंदिर प्रवेश कौमा मस्जिद प्रवेश इनको वो निर्धारित कर सकते हैं। ये कौन आएगा कौन जाएगा ये सब ये निर्धारित कर सकते हैं, ये आर्टिकल देता है इनको स्वतंत्रता। लिखिए आगे, इसमें यह कहा गया है कि किसी को धार्मिक मामलों के आधार पर इसमें यह कहा गया है कि किसी को धार्मिक मामलों के आधार पर मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कि महिलाओं को आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, दलितों को मंदिर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, किसी समुदाय विशेष को लिंग के आधार पर जाति के आधार पर निवास स्थान के आधार पर मंदिरों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके एक कौन आर्टिकल, अगर आपको कोई मंदिर में नहीं जाने देता है वो आपके आर्टिकल 26 का उल्लंघन माना जाएगा। हाँ अगर कोई विशेष कार्य चल रहा है मंदिर के अंदर और मंदिर बंद है तो आपको जाने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर वो खुला हुआ मंदिर है और आपको किसी जाति धर्म मतलब जाति के आधार पर अगर आपको रोका जाता है ओके तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हिंदू संस्था है तो आप दूसरे धर्म से भी रिलेटेड हो आपको देखने को मिलेगा, वो ईसाई पारसी और मुस्लिम नहीं होने चाहिए, तीन नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप हिंदू धर्म से हैं जैन धर्म से हैं बौद्ध धर्म से हैं ओके तो आप प्रवेश कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता इनके आधार पर, क्योंकि सभी वर्गों के लिए खुले हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 27 क्या कहता है। तो लिखिए ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा, मतलब ये ऐसे टैक्स की मनाही करता है राज्य, ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिसका उत्थान किसी धर्म विशेष के लिए किया जाए। ओके तो आपको लिखना है ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता, ऐसा कोई कर नहीं लगाया जा सकता जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती हो, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती हो। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि सर्वधर्म समभाव भारत के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि हज सब्सिडी आपको पता है कि बहुत बड़ी मात्रा में हज सब्सिडी है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि केवल व्यक्ति के द्वारा 1/4 भाग ही दिया जाता है और सब इसका खर्च है वो सरकार के द्वारा उठाया जाता है। हज सब्सिडी के अंतर्गत केवल 1/4 भाग व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और कौन देता है, और गवर्नमेंट यहाँ पर पे करती है। ये सर्वधर्म संभाव का ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब एक उदाहरण देखने को मिलेगा सर्वधर्म संभाव का ये आपको एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, लिख लिया होगा आपने। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 28 आपको थोड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए राज्य राज्य राज्य
राज्य किसी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि राज्य की जो शिक्षा संस्थाएं होंगी, शिक्षा संस्थाएं होंगी, इनमें धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा, आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, कहाँ दी जा सकती, कहाँ नहीं दी जा सकती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, अगर कोई शिक्षा संस्थान राज्य द्वारा वित्त पोषित है, राज्य द्वारा 100% वित्त पोषित है, यानी कि राज्य के द्वारा ही प्रायोजित है, वो आप समझ सकते हैं। ओके, दूसरी राज्य कोई शिक्षा संस्थान कैसा हो सकता है? राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हो, राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त हो, आर्थिक मतलब गवर्नमेंट नहीं है लेकिन अर्ध सरकारी। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ पैसा है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। सर, राज्य द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हो। ओके, तीसरा आपको देखने को मिलेगा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और ये क्या है, प्राइवेट आपको देखने को मिलेगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए। ओके, ये क्या है, यहां पर पूर्ण प्राइवेट, पूर्ण प्राइवेट संस्थान है। ओके, और चौथा कैसा हो सकता है, आपको देखने को मिलेगा अन्य। अन्य क्या होता है, जहां पर सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती, गवर्नमेंट से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। जैसे हम क्या है, हमें गवर्नमेंट से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती, आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट से हमको कोई सहायता प्राप्त होती है? नहीं होती है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा ऐसा शिक्षा संस्थान है जो 100% सरकारी है, 100% सरकारी और सरकार के द्वारा ये पूरा का पूरा वित्त पोषित है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्थान नहीं दी जाएगी, मतलब नो, मतलब किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, ध्यान रखना है। और देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि राज्य द्वारा आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त, मतलब कभी कभी क्या किया जाता है, राज्य राज्य है वो इन शिक्षा संस्थाओं को पैसे दे देता है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर, और साथ में इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल है लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसे हाई स्कूल है, मार्कशीट कौन देता है, सरकार देती, कहते हैं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय। इस तरह से आपने देखा होगा जो मैक्सिमम लोग निकल के आते हैं वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से निकल के आते हैं। इन दोनों में शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यस, यानी कि धार्मिक शिक्षा पहले में नहीं दी जा सकती, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि जो बच्चा है, जो अभ्यर्थी है, वो इस शिक्षा को ग्रहण करे ही करे, ये अनिवार्य नहीं है। और आपको देखने को मिलेगा जो अन्य अन्य जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं है, सरकार के द्वारा वित्त पोषित भी नहीं है, ना ही सरकार के द्वारा कोई सहायता दी जाती है, तो ऐसे शिक्षा संस्थान है, इनमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और प्लस बाध्य भी किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो 100% जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है। लेकिन राज्य द्वारा थोड़ा थोड़ा पैसा कभी कभार दे दिया जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अर्ध सरकारी, और तीसरा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल होते हैं। इन दोनों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, जैसे कि वहां पर सरस्वती पूजा कराई जाए, लेकिन कुछ धर्म विशेष के लोग हैं वो चाहते कि हम सरस्वती पूजा जो पाठ हो रहा है उसमें जाकर के हम पार्टिसिपेट ना करें, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है
तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको बाध्य किया जाएगा, वरना कहा जाएगा कि आप इस स्कूल को छोड़ दीजिए, इस संस्थान को आप छोड़ दीजिए। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। मैं साइड साइड जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमने ऐसी सारी चीजों को कवर किया। कल हम लोग देखेंगे शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो अधिकार हैं उनके बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 29-30 और आर्टिकल 31 तो समाप्त हो गया, आर्टिकल 32 की बात करेंगे, इसके अलावा आर्टिकल 33-34 की भी हम लोग बात करेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कल की क्लास होने वाली है, और कल आपका मौलिक अधिकार है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कल हम रिट के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 32 में दिया गया है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप कहाँ जाएंगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के रिट जारी करता है, हम लोग सभी के बारे में सब विस्तार में बात करेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कल बहुत ही अच्छे लेक्चर के साथ में। और जो भी आपके डाउट है आप मैसेज कर दीजिए, हम आपके सभी मैसेजों का कल रिप्लाई करेंगे जब लाइव आएंगे। तो आज की क्लास है वो लाइव नहीं है, प्री रिकॉर्डेड क्लास है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके।